फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉक्टर अमृता सेन जी के बारे में। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिया गया बेल बटन प्रेस कर दीजिए। अमृता सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक हैं। अर्थशास्त्री में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1998 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई हैं। सन 1999 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। प्रोफेसर अमृता सेन 1970 के दशक से ही यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। सन 2015 में ब्रिटेन के रॉयल एकेडमी ने उन्हें प्रथम चार्ल्सटन ईएफजी जॉन मेनार्ड किन्स पुरस्कार से सम्मानित किया। शांति निकेतन में जन्मे इस विद्वान अर्थशास्त्री ने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। उन्होंने कल्याण और विकास के विभिन्न पक्षों पर अनेक पुस्तकें तथा पर्चे लिखे हैं। प्रोफेसर अमृता सेन आम अर्थशास्त्रियों के सम्मान के समान नहीं हैं। वह अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक मानववादी भी हैं। उन्होंने अकाल, गरीबी, लोकतंत्र, स्त्री पुरुष असमानता और सामाजिक मुद्दे पर जो पुस्तकें लिखी वे अपने आप में बेजोड़ हैं। वर्तमान में वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। वे नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति भी रह चुके हैं। वे हार्वर्ड सोसाइटी ऑफ फेलोज में एक विशिष्ट फेलो, ऑल सोल्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एक विशिष्ट, डार्विन कॉलेज कैम्ब्रिज में मानद फेलो और ट्रिनिटी कॉलेज में भी फेलो रह चुके हैं। इसके अलावा सन 1998 से लेकर सन 2004 तक अमृता सेन ट्रिनिटी कॉलेज के मास्टर भी रहे। वे जादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी शिक्षक रहे। सन 1981 में उन्होंने अपनी चर्चित पुस्तक पावर्टी एंड फेमिसिस एंड एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डिप्राइवेशन प्रकाशित की। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने यह बताया कि अकाल सिर्फ भोजन की कमी से नहीं बल्कि खाद्यान्नों के वितरण में असमानता के कारण भी होता है। उन्होंने यह तर्क दिया कि सन 1943 का बंगाल अकाल अप्रत्याशित शहरी विकास जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी के कारण हुआ। इसके कारण लाखों ग्रामीण मजदूर भुखमरी का शिकार हुए क्योंकि उनकी मजदूरी और वस्तुओं की कीमतों में भीषण असमानता थी। अमृता सेन ने अपने लेखों और शोध के माध्यम से गरीबी मापने के ऐसे तरीके विकसित किए जिससे गरीबी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उपयोगी जानकारी उत्पन्न किए गए। उदाहरण के तौर पर असमानता पर उनके सिद्धांत ने इस बात की व्याख्या की कि भारत और चीन में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष की संख्या ज़्यादा क्यों है, जबकि पश्चिमी और दूसरे कुछ गरीब देशों में भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से कुछ ज़्यादा और मृत्यु दर भी कम है। सेन के अनुसार भारत और चीन जैसे देश में महिलाओं की संख्या इसलिए कम है क्योंकि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है और लिंग के आधार पर भ्रूण हत्या भी होती है। अमृता सेन को कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है और बेस्ट इकोनॉमिस्ट इंडिया उन्होंने लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का खाका विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अमृत कुमार पहले ऐसे अर्थशास्त्री है जिनका ध्यान गरीबों को गरीबी से मुक्त करके पर गया है। उनका मानना है कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण शिक्षा का अभाव और साधनहीनता है। उन्हें अपने भाग्य को कोसने के बजाय कर्म करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अमृता कुमार का मानना है कि विश्व में गरीबी का मूल कारण शिक्षा का पिछड़ापन है। धन किसी प्रकार कमाया जाए इसका ज्ञान भी हमें शिक्षा से ही होता है। शिक्षा से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाया जाता है। शिक्षित व्यक्ति अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर धर्म के नाम पर कभी गुमराह नहीं होता। शुद्ध आचरण और शुद्ध व्यवहार करने वाला व्यक्ति खुद को अज्ञानता के खतरे से बचाता है और अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तरह तरह के रास्ते तलाशता है। इस आधार पर सरकार को शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए ताकि शिक्षित समाज बने और देश का विकास हो। गरीबी और अकाल पर किया गया अमृता कुमार का आर्थिक विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहा गया। निजी जीवन। अमृता सेन का जन्म कोलकाता शहर के शांति निकेतन नामक स्थान में हुआ था जहां उनके नाना क्षिति मोहन सेन शिक्षक थे। उनके पिता आशुतोष सेन ढाका विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के अध्यापक थे। कोलकाता के शांति निकेतन और प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षा पूर्ण करके उन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की।
अपने जीवन के कुछ वर्ष अमृत्य सेन ने बर्मा वर्तमान म्यांमार में स्थित मांडले नामक स्थान पर भी बिताए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ढाका में हुई। अमृत सेन ने अपने जीवन में 3 बार विवाह किया। उनकी पहली पत्नी थी नवनीता देवसेन। नवनीता के 2 बच्चे हैं, बेटी का नाम अंतरा है और बेटे का नाम नंदन। पर सन 1971 के आसपास उनका विवाह टूट गया। इसके पश्चात अमृत सेन ने सन 1978 में इतालवी अर्थशास्त्री इवा कोलोरनी से विवाह किया। इवा ने एक पुत्री इंद्राणी और एक पुत्र कबीर को जन्म दिया, पर इवा की मौत कैंसर के कारण सन 1985 में हो गई। सन 1991 में उन्होंने एम्मा जॉर्जिना रोथस चाइल्ड्स से विवाह किया। सन 1998 में उनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। अमृत सेन को जब इसकी सूची मिली तो उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ के पास फ़ोन किया। उनकी माँ को यकीन ही नहीं हुआ कि उनके बेटे को नोबेल पुरस्कार मिलने जा रहा है। देश विदेश के समाचार पत्रों में नोबेल पुरस्कार के लिए जब उनके नाम की घोषणा की गई तब उनकी माँ को यकीन हुआ। अमृता कुमार ने नोबेल पुरस्कार से मिली धनराशि से एक ट्रस्ट बनाया और उस धनराशि का उपयोग भारत के गरीब विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए करने पर बल दिया। नोबेल पुरस्कार में मिली 5 करोड़ की धनराशि को अमृता कुमार ने अपने व्यक्तिगत उपयोग में बिल्कुल नहीं लगाया। इसके लिए देश विदेश में उनके नेक विचारों की खूब तारीफ की गई। पुरस्कार और सम्मान। एडम स्मिथ प्राइस 1954, फॉरेन ऑनरी मेंबर ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस 1981, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस द्वारा ऑनरी फेलोशिप 1984, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज 1998, भारत रत्न 1999, बांग्लादेश की ऑनरी राष्ट्रीयता 1999, ऑर्डर ऑफ कैंपेनियन ऑफ होनर यूके 2000, ले ओंती एफ प्राइज 2000, आइजनहावर मेडल फॉर लीडरशिप एंड सर्विस 2000, 391 सब एट हार्वर्ड 2001, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2004, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया द्वारा ऑनरी डिग्री 2005, नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल 2011, ऑर्डर ऑफ द एस्टेक ईगल 2012, कमांडर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ होनर 2013, ADTV 25 ग्रेटेस्ट ग्लोबल लिविंग लेजेंड्स इन इंडिया 2014, चार्ल्सटन EFG जॉन मेनार्ड किन्स पुरस्कार 2015। दोस्तों, अगर आपको इनसे रिलेटेड हमसे कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।